बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। मियां बीवी के तीन काम ऐसे हैं जिनको करने से घर में गरीबी आती है, घर में परेशानी आती है। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि इन तीन कामों को आप कभी भूल कर भी ना करें, क्योंकि अगर आप ये तीन काम करोगे तो याद रखना, तुम्हारे घर को गुर्बत का समंदर डुबो कर रख देगा। तुम्हारा घर गुर्बत के दलदल में फंस जाएगा, परेशानियों और मुसीबतों के दलदल में फंस जाएगा, और इस तरह से फंसोगे कि फिर आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। आखिर ये तीन काम कौन से हैं जिनको करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों और बीमारियों में मुबतला हो जाता है। सोने की ईंटों का बनाया गया घर जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाता है। आइए आपको हजरत अली के हवाले से मियां बीवी के इन तीन कामों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आपकी भी आंखें खुल जाएगी। इसीलिए अगर आप शादीशुदा है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और दिल से एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मदीना शहर में एक शख्स बड़ी दूर से हजरत अली के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो आदमी अचानक से कहीं पर गायब हो गया, यानी कि अचानक से वो कहीं पर चला गया। उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वो कहां पर गया है। कुछ दिनों के बाद में हजरत अली का किसी लंबे सफर पर जाना हुआ। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु जब उस सफर से वापस लौट कर मदीना शहर पहुंचे तो उस वक्त तक आप बहुत थक चुके थे। इसीलिए फिर आपने इधर उधर देखा तो आपको वहां पर एक घर नजर आया। घर के बाहर एक दीवार थी, ये देखकर आप अपने घोड़े से नीचे उतरे, यानी कि अपनी सवारी से नीचे आए और उस दीवार के साथ में टेक लगाकर वहीं पर बैठ गए। आप अभी आराम फरमा ही रहे थे कि इतने में आपने सुना कि उस घर से किसी औरत के रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी, क्योंकि उस औरत का शोहर उसको मार रहा था, उसको गाली गलौज दे रहा था, और यही नहीं, उस पर जोर जोर से चिल्ला भी रहा था और साथ ही उसको ताने भी दे रहा था कि ओ कमबख्त, जब से तू मेरे इस घर में आई है तब से मैं गरीब हो गया हूँ। ऐ कमबख्त, जब से तू मेरे इस घर में आई है, तंगियों को तूने अपने साथ लिया है, परेशानियों को अपने साथ में लेकर आई है, मेरे घर से अमीरी के जनाजे निकल गए हैं, गुर्बत उरूज पर आ गई है। ऐ कमबख्त, तू मेरे लिए कयामत बनकर आई है, तू मेरे लिए आजाब बनकर आई है। इस तरह से वो शोहर अपनी बीवी पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। बीवी आगे से सिसक सिसक कर रो रही थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही औरत के रोने की आवाज सुनी तो आप हैरान हो गए। आप फौरन अपनी जगह से उठे और जाकर उस घर के दरवाजे को खटखटा दिया। घर से एक शख्स बाहर निकला तो उसको देखते ही आप रजी अल्लाह ताला अन्हु उसको पहचान गए कि ये तो वही शख्स है जो हर रोज मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था, जो एक दिन अचानक कहीं पर गायब हो गया था। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बीवी को लेकर आओ। वो शख्स घर के अंदर गया और अपनी बीवी को बुला लाया। अब दोनों मियां बीवी हजरत अली के सामने खड़े हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अब तू ये बता कि तू अपनी बीवी को क्यों मार रहा था, अपनी बीवी को क्यों रुला रहा था, तू अपनी बीवी को क्यों तड़पा रहा था। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, या हजरत अली, ये बदबख्त जब से मेरी निकाह में आई है, जब से मेरे घर में आई है, तब से मुझे गरीबी में धकेल दिया है। दूसरी औरतें शादी के बाद में बच्चे जन्म देती है, बच्चे पैदा करती है, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें तो बेटियां पैदा करती है, रहमत पैदा करती है, नेमत पैदा करती है, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत को पैदा किया है। या अली, जब से ये औरत मेरे घर में आई है, रिज्क के तमाम दरवाजे मेरे घर के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके आने के बाद तो मैं दिन ब दिन परेशानियों में और बीमारियों में घिरता हुआ जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद में हजरत अली ने फरमाया, उसकी बीवी से पूछा, ऐ औरत, अब तू ये बता कि ये शख्स तुम्हें कब से मार रहा है, कब से तुमको रुला रहा है। तो ये सुनकर वो औरत
सिसक सिसक कर रोने लगी। उसकी आंखों से बेशाख्ता आंसू निकल गए। वो औरत रो रो कर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इसकी निकाह में आई हूँ, जब से मैं इसके घर में आई हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि जहन्नुम में आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नम में फेंक दिया है। या हजरत अली, जब से मैं इस शख्स के घर में आई हूँ, तब से मेरा ये शोहर मुझे ताने देता है। ये कहता है कि तेरे बाप ने तुझे कुछ भी दहेज में नहीं दिया है। या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप बहुत गरीब था, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। शादी से पहले तो ये कहा करता था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे दहेज में कुछ भी नहीं लेना है, मगर आज जब ये मुझे ब्याह कर ले आया है तो ये मुझे ताने देने लगा है। ये कहता है कि तेरे बाप ने तो तुझे कुछ भी नहीं दिया है, ये चारपाई मेरी है, ये बिस्तर मेरा है, ये घर भी मेरा है, यहाँ पर सब कुछ मेरा है, तेरा है ही क्या? या अली, इस तरह से ये शख्स मुझे ताने देता है, गैर लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मुझे रुसवा करता है, इसने आज तक कभी भी मेरे साथ में प्यार से कोई बात नहीं की। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उसका शोहर उससे प्यार से बात करे, उससे मोहब्बत से बात करे, प्यार बांटे और अच्छे अखलाक बांटे। लेकिन या अली, मैंने इसके अंदर आज तक ना तो प्यार देखा है और ना ही कभी मोहब्बत देखी है और ना ही इसमें कभी अच्छा अखलाक देखा है। मेरा ये शोहर जब कभी बाहर जाता है तो बाहर वालों के सामने तो ऐसा मुत्तकी, ऐसा परहेजगार दिखाई देता है कि लोग इसको देखकर कहते हैं कि ये तो कोई अल्लाह का वली आ रहा है। लेकिन फिर ये जैसे ही घर आता है तो फिर ऑन बन जाता है। इसने तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। अभी हर रोज मुझे मारता पीटता है और कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन या हजरत अली, मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं और अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए अब मैं इसका घर छोड़कर जाऊँ तो जाऊँ कहा, इसीलिए अब ये यहाँ मुझे मारता है, पीटता है तो पीटता रहे, मुझे इसकी हर डांट कबूल है, जलालत भी कबूल है, इसकी रुसवाई भी कबूल है, मुझे इसका सब कुछ कबूल है। लेकिन या हजरत अली, इससे कह दो कि कम से कम ये मुझे अपने घर से बाहर ना निकाले। दोस्तों, इतना कुछ सुनने के बाद में दोनों को मुखातिब करते हुए हजरत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम ये ना कहा करो कि जब से बीवी घर पर आई है ये साथ में गुर्बत लेकर आई है। हरगिज नहीं। ऐ शख्स, याद रखना, इंसान के खुद के अपने ऐसे गुनाह होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो अल्लाह ताला को बहुत नापसंद होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फिर उस शख्स के घर में गुर्बत को हुक्म दे देता है। ऐ शख्स, गुर्बत को किसने पैदा किया, तंगियों को किसने पैदा किया? बेशक अल्लाह ताला ने। अब ये गुर्बत, ये तंगी अल्लाह के हुक्म के आगे ऐसे भागती और दौड़ती है कि अल्लाह अगर हुक्म दे दे कि उसके घर में दाखिल हो जा, तो ये गुर्बत फौरन ही उसके घर में दाखिल हो जाती है और फिर उस घर में रहने वाले दिन ब दिन तंग हो जाते हैं और वो लोग परेशानियों में घिर जाते हैं। पहला काम है बदजुबान, यानी कि बीवी को गालियां देना। याद रखना, जो शख्स अपनी बीवी को गालियां देता है तो इससे बड़ा अजाब घर में और क्या हो सकता है, क्योंकि गालियां देना नेकियों और बरकत को इस तरह से खा जाता है कि जिस तरह से आग लकड़ियों को खा जाती है। और ऐ शख्स, मियां बीवी का दूसरा काम है हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा एक दूसरे से तलख लहजा अपनाना। ये अमल भी घर में गुर्बत का सबब बनता है। इसके अलावा मियां बीवी का एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने के बजाय गलत सोचना, अल्लाह के सामने झुकने के बजाय एक दूसरे को ताना देते हुए वक्त बर्बाद करने से भी घर में गुर्बत आती है, परेशानी आती है, क्योंकि रिज्क के दरवाजे ऐसे घर के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में कभी दाखिल नहीं होते हैं। और नंबर 3, शैतान को राजी करना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, ये काम भी घर में गुर्बत का सबब बनता है। यानी कि जो शख्स रहमान को नाराज करता है और शैतान को राजी करता है, बीवी को मारना, पीटना, उसको रुलाना, ये सब काम अल्लाह को नाराज करने और शैतान को राजी करने वाले काम हैं। अब आप सोचिए कि जिस घर से अल्लाह नाराज होगा उस घर में रहमत कैसे आएगी? ऐसे घर को फिर गुर्बत
हमेशा हमेशा के लिए घेर लेगी। तो दोस्तों, मियां बीवी के ये तीन काम ऐसे हैं जिनको आप कभी भी भूल कर ना करें। अगर आप कर लेंगे तो फिर याद रखें कि गुर्बत के दलदल में आप फंसते ही चले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हर बार की तरह इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।